अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज मैं मेरे YouTube चैनल के कलेक्शन में और एक ड्रेप डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि एक ही ड्राफ्टिंग से आप दो डिज़ाइन बना पाएंगे। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ट्राई किया है, इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आप इस ड्रेप डिज़ाइन को समझ सकें। तो गाइस, चले हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सैटिन, थिक सैटिन और शिफॉन फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले आप सैटिन फैब्रिक को ले लें और इसका ब्रॉडनेस जितना भी लेना है वो मार्किंग कर लें। उसके लिए हम अपना चेस्ट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 14 चेस्ट है, प्लस दोनों तरफ सीम अलेवेंस 3 इंच ले रही हूँ। टोटल 17 इंच पर मार्क कर लें। 17 इंच पे मार्क करने के बाद अब अपना सेंटर 8.5 इंच पे मार्क करें, जहाँ पे फोल्डिंग आएगी। अपना फैब्रिक इस तरह फोल्ड करें। अब हम बॉडीज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए बॉडीज़ का हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडीज़ का हाइट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंच, प्लस 1 इंच सीम अलावेंस। टोटल 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट कर लें। अब हम शोल्डर 5.5 इंच और 1/2 इंच सीम अलावेंस, टोटल 6 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर के एंड पे, 1/2 इंच डाउन शोल्डर स्लोप के लिए। और इस पॉइंट से हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं आर्म होल 5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के एंड पे हमें चेस्ट लाइन मिल रही है। नेक्स्ट, इस चेस्ट लाइन को ड्रॉ करके आपको चेस्ट ब्रॉडनेस यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मेरा चेस्ट ब्रॉडनेस 7 इंच और 1 इंच सीम अलावेंस है, और इसी पॉइंट से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, वेस्ट ब्रेथ मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। इसका मतलब कि फ्रंट जो वेस्ट ब्रेथ होगा 13 इंच। आप 6.5 इंच पे मार्क करके 1 इंच सीम अलावेंस रखें। आप इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करें। ये हमारी बैक बॉडीज है। तो यहाँ पे मैं ब्रेथ, नेक ब्रेथ जो ले रही हूँ 2.3 इंच। आप 2.3 इंच पे मार्क करके बैक नेक हाइट 2 इंच पे मार्क करें और फ्री हैंड कर्व से इसको राउंड शेप दे दें। नेक्स्ट, हम शोल्डर स्लोप जॉइंट कर लेंगे। अब बॉडीज़ को कट करेंगे, लेकिन नेक और शोल्डर स्लोप को उसी तरह रखेंगे। नेक्स्ट, मैं आपको स्कर्ट की कटिंग बताऊंगी। अब स्कर्ट कट करने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करें और अपने बॉडीज़ के वेस्ट को स्कर्ट के फैब्रिक पे इस तरह क्रॉस फोल्ड्स पे रखें, और वेस्ट की जितनी ब्रॉडनेस है सीम अलावेंस के साथ इसको इस तरह स्ट्रेट मार्क करें। आप इसको कर्व भी मार्किंग दे सकते हैं या स्ट्रेट इस तरह कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दूंगी। नेक्स्ट, हमारा स्कर्ट का हाइट। स्कर्ट का हाइट टोटल 28 इंच ले रही हूँ मैं। टोटल हाइट जो होगा 38 इंच का होगा। तो 10 इंच की बॉडीज जो हमने कट की है उसको माइनस करेंगे तो 28 इंच स्कर्ट के लिए बच जाएगा। प्लस 1 इंच सीम अलावेंस रखना है 29 इंच। तो आप वेस्ट से 29 इंच स्कर्ट के बॉटम पे पूरी तरफ मार्किंग दे दें, जहाँ तक आपकी स्कर्ट की एंडिंग है। ये आपका जस्ट बैक स्कर्ट होगा, फ्रंट की कटिंग अलग होगी। गाइस, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब स्कर्ट को आप काट दें। यह हमारी बैक बॉडीज़ और बैक स्कर्ट है। इसी तरह हम फ्रंट काटेंगे बैक बॉडीज़ को लेकर। आप फोल्डेड पे अपनी बॉडीज़ को रखिए और ए लाइन कटिंग करेंगे, जैसे कि वीडियो में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसको काट दें। यहाँ पर मैंने शोल्डर स्लोप और आर्म होल और नेक कट नहीं किया है। आप इस कटिंग के बाद
डीप आर्म होल कट करेंगे। उसके बाद नेक की मेजरमेंट देंगे जो कि 2.3 हमने बैक नेक की ब्रॉडनेस डाली थी, 2.3 मार्क करके 4 इंच फ्रंट नेक हाइट लेंगे। फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करें और शोल्डर स्लोप हाफ इंच डाउनवर्ड्स अब इसको काट दें। नेक्स्ट हम बैक बॉडीज के लिए ब्लू कलर का जो कि शिफॉन फैब्रिक है, ये सॉफ्ट शिफॉन नहीं है, ये जॉर्जेट भी नहीं है, थिक फैब्रिक है थोड़ा सा, तो इसको हम काट दें। नेक्स्ट हम नेक स्टिच करेंगे। इन दोनों पीसेस को इस तरह रखे के एक रॉन्ग साइड और दूसरा राइट साइड एक दूसरे से टच करेगा और नेक पे हाफ इंच की दूरी पर स्टिच करेंगे। स्टिच होने के बाद इसको नॉचेस लगा के इसको टर्न कर लें। टर्न करके टॉप स्टिच देंगे नेक पर। अब इस 1 मीटर के फैब्रिक में से मैंने बैक बॉडीज को कट किया है और फ्रंट कुर्ती को इस तरह रखेंगे कि सेंटर पे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे। अब नेक आर्म होल और साइड हिप तक 18 इंच नीचे तक आप मार्किंग दे दें और बॉटम की तरफ 2 इंच ऊपर कर्व देने के लिए। अब हिप पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और बॉटम की तरफ 15 इंच नीचे लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटने के लिए मैंने मार्किंग दिया है बॉटम तक। अब हिप से बॉटम तक जहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्क ऊपर लगाया है वहाँ तक आप मेजर करें, ये 20 इंच दिख रहा है। इसी तरह आप साइड पर भी 20 इंच का मार्किंग दें हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, आप छोटा भी रख सकते हैं। आप इस 20 इंच की मार्किंग से बॉटम तक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करें और इसको काट दें। अब हमारा फ्रंट ड्रेप पीस रेडी हो गया है। आप फ्रंट सेंटर पे जितना भी हम लोगों ने सीम अलाउंस रखा है उसको फोल्डिंग देके, डबल फोल्ड देके इसको बॉटम तक स्टिच कर लें। स्टिच होने के बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर लेस लग के रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट कुर्ती के सेंटर पे इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए आप फ्रंट कुर्ती को ले लें और इसको फोल्ड करके सेंटर लाइन लगा दिए। उससे पहले बॉटम पे जो हमने शेप दिया है उसको काट देंगे। नेक्स्ट सेंटर पे मार्क करके आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लाइन लगा दें ताकि एग्जैक्टली सेंटर पे हम अपना ड्रेप पीस फिक्स कर लें। अब इसको ओपन करके ड्रेप जो फैब्रिक है कट किया है उसको लेफ्ट साइड पे फिक्स कर लेंगे। आप डायरेक्टली भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं या पिन की मदद से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिन का इस्तेमाल करूँगी और नेक आर्म होल और फ्रंट जहाँ तक हमें फिक्स करना है ये वहाँ तक पिन लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग हिप तक इसको स्टिच करूँगी। आप थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके एंड को इस तरह साइड पे फिक्स करेंगे तो आपको एक टाइप का ड्रेप गाउन मिल जाएगा। या इस तरह स्ट्रेट भी बिना प्लिट्स के भी इस तरह साइड पे स्टिच लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर पे आपको यहाँ पे ड्रेप प्लीट्स मिल जाएगी। ये एक पैटर्न है जो कि आप फ्रॉक्स पे कर सकते हैं, क्योंकि गाउन्स पे करने के लिए देखिए आपका जो फ्रंट का जो फैब्रिक है वो एकदम नीचे आ जाएगा, उसको आप काट देना पड़ेगा। तो या आप लॉन्ग जो कुर्तीज हम लोग पहनते हैं जो नी के थोड़ा नीचे, इस तरह की कुर्तीज आप इस तरह के ड्रेप्स बना सकते हैं। या फिर एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप इसको प्लिट्स की मदद से इसको फिक्स करें। ये प्लिट्स साइड बैक पीस को स्टिच हो जाएगी और इस तरह ड्रेप प्लिट्स बनके रेडी हो जाएगी।
लेकिन जो मैंने इस गाउन पे ड्रेप प्लीट्स बनाया है वो कुछ डिफरेंट तरीके से है। मैं यहाँ पे एक करूँगी कि सेंटर वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर नेक की तरफ इसको फिक्स करूँगी, इस तरह इसको फिक्स करूँगी जहाँ तक ये बराबर से फिक्स हो जाए वहाँ तक स्टिच कर लेना है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ गया, ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये आपको पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। और आगे मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत जल्द नए डिज़ाइन के साथ मैं अपने इस वीडियो को और एक वीडियो को लेके आऊँगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल दबाएं ताकि आपको मालूम हो जाए जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लेस लगाने के बाद ये ऊपर जो है फोल्डिंग जो मैंने नहीं किया है, आप इसको अटैच करने के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो डबल फोल्ड देके हम इसको इसके रॉ एजेस को छुपा देंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ पर आपको रॉ एजेस दिखेंगे आप इसी तरह आपको हेम करके रॉ एजेस को छुपा देना है। तो यहाँ पे मैंने हेम कर दिया है, यहाँ पर बॉटम पर भी, बॉटम पे हेम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे मैं सर्कुलर यानी कर्व दूंगी। जो पॉइंटेड एज आपको दिख रहा है उसको मैं काट के उसको सर्कल कट बना दूंगी, इसलिए अभी तक वहाँ पे हेम नहीं किया है। अब इसको काट के नीट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बाकी जितने भी एजेस जहाँ पे हेम नहीं हुए हैं वहाँ तक हम डबल फोल्ड देके हेम देंगे। उसके बाद इस तरफ इसको अटैच करेंगे हिप तक, जहाँ पे मैंने 18 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पर आपको फिक्स करना है। अब बैक बॉडीज को स्कर्ट से मिला देंगे। तो ये हेमिंग मैंने कर दी है। अब नेक लाइन स्टिच करेंगे, नेक लाइन के बाद शोल्डर अटैच करेंगे जो कि इजी और बेसिक स्टेप्स है। इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद था आपको ड्रेप प्लेट्स कैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, दो तीन तरीके से बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने शिफॉन फैब्रिक के एंड को वेस्ट पेस को फिक्स किया है ड्रेप प्लेट्स बनाने के लिए। अब वेस्ट पेस को फिक्स करने के बाद एक 4 से 5 इंच तक इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये स्टिच होने के बाद कोई इस तरह लग रहा है। मैंने यहाँ पे स्लीव्स लगाया है, स्लीव्स के एंड पे स्ट्रिप फिक्स किया है और लेस फिक्स किया है और बैक जो बॉटम है वहाँ पे प्लिट्स दिया है। तो ये टोटली जब बना है तो ये इस तरह प्लिट्स बन के रेडी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस आप लोग भी इसको ट्राई करें और मुझे शेयर करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और आगे भी नए नए वीडियोस देखने के लिए, नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड रहे। ओके अल्लाह हाफिज़, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह।